कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलके तुम्हारा चूल्हा जलाती है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने पूरे दिल से चाहा कि मुझे बोर्ड्स में 90% मार्क्स आ जाए, और मुझे कितने मिले? 89%। जब मैं 12th में था तो मैंने पूरे दिल से चाहा कि मुझे 70% मार्क्स मिल जाए, लेकिन मुझे मिले 69%। और तो और, द लोगेश चैनल पे मुझे 100 के सब्स पूरे करने थे, लेकिन आप लोग तो मुझे 50 के तक भी नहीं पहुंचा रहे हैं। सैड लाइफ, आई नो, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट करंट टाइम, मैं आपको बता दूं कि मेरे और मेरे वाइफ की दो दिले ख्वाहिश थी। पहली ये कि हमें एनिमेशन बनाने के लिए एक डिस्प्ले ड्राइंग टैबलेट मिल जाए, और लकीली हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। इट ऑल केम ट्रू जब एक्सपी पेन ने हमें अपना लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एक्सपी पेन आर्टिस्ट 24 प्रो भेजा। मतलब इस टैबलेट में 2K क्वाड HD स्क्रीन है जिसकी डिमेंशन 24 इंचेस है, और इस पर ड्रॉइंग करने का एक्सपीरियंस एकदम ही अलग सा है। पैकेज में हमें 2 बैटरी फ्री ड्राइंग पेन्स मिले जिसमें 8192 लेवल्स ऑफ प्रेशर है, और इसको सिर्फ एक USB-C कनेक्शन चाहिए टू कनेक्ट विद अ PC और लैपटॉप। पैकेट में आपको हर तरह के केबल्स भी मिल जाएंगे, और बॉक्स के अंदर ही ड्राइंग ग्लव्स भी इंक्लूडेड था। नाउ कमिंग टू द टैबलेट, इस पे ड्राइंग करना काफी स्मूथ है, और यहाँ आपको 2 रोटेशन व्हील्स के साथ साथ 20 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए कस्टमाइज किए जा सकते हैं। मैं तो स्क्रॉल व्हील से मस्त जूम इन एंड जूम आउट करता हूँ, एंड द एंटायर ड्राइंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। यहाँ प्रॉब्लम बस ये हो गई कि अब मैं और मेरी वाइफ झगड़ते रहते हैं कि कौन इस वाले टैबलेट पे ड्राइंग करेगा। तो अगर आपको भी एक्सपी पेन की ड्राइंग टैबलेट्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे जा सकते हैं। यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर एवरी प्राइस रेंज, और आप भी हमारी तरह अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। So, पहली ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन हमारी दूसरी ख्वाहिश को पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमें एक अमेजिंग कैंडल लाइट डिनर पे जाना था। वो मूवीज नहीं दिखाते, एकदम मस्त सा सेटअप, अमेजिंग लोकेशन एंड ऑल दैट, अपन को ये वही चाहिए था। तो मई 2019 में जब हम अपना अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हमने एक कंपनी का टूर पैकेज देखा जिसमें वो हमें 5K एक्स्ट्रा पे करने पे एक बीच साइड कैंडल लाइट डिनर करवा रहे थे। उन्होंने जो बीच साइड कैंडल लाइट डिनर वाली पिक्चर्स डाल रखी थी वो एकदम ही माइंड ब्लोइंग थी। I mean, इतना तो मैंने इमेजिन तक नहीं किया था। ये सब देख कर मैं फौरन ही अपना फोन नंबर शेयर किया, और कुछ ही मिनटों में मुझे उनके एजेंट का कॉल आया। हेलो दिव्यांशु सर, आई एम पम्मी फ्रॉम ट्रैवल रेक्टेंगल। हमने देखा है कि आप अंडमान के 60 टूर पैकेज में इंटरेस्टेड है। यस, वी आर ए न्यूली वेड कपल, और हमें एक कैंडल लाइट डिनर भी इंक्लूड करना है। नो प्रॉब्लम सर, कैंडल लाइट डिनर नील आइलैंड के 4-स्टार रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस रिजॉर्ट की एक प्राइवेट बीच है जहां आपकी कैंडल लाइट डिनर होगी, और ये रिजॉर्ट सी फेसिंग है। ऑन द 3rd डे ऑफ योर पैकेज यू विल बी स्टेइंग इन दिस रिजॉर्ट वेयर वी विल अरेंज अ बीच साइड कैंडल लाइट डिनर फॉर यू विद एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ओनली 5,000 रुपीज। अब इस पॉइंट पे हमारे मन में बड़ी दुविधा थी, क्योंकि सी फेसिंग 4-स्टार रिजॉर्ट में एक दिन रहना आउट ऑफ बजट था, लेकिन हमें कैंडल लाइट डिनर भी चाहिए थी। सो हमने अपने ट्रिप को इस तरह से प्लान किया कि टूर के बाकी 5 दिन तो हम थोड़े सस्ते होटल में ठहर लेंगे, और एक दिन विल हैव अ कैंडल लाइट डिनर ऑन ए बीच ऑफ 4-स्टार रिजॉर्ट। बस फिर क्या था, हमने टूर पैकेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, और हमने बुकिंग वगैरह भी कर ली। So when the time came, हम अंडमान पहुंचे, और हमारे ट्रिप का 1st 2 days were really amazing. 3rd day morning हम नील आइलैंड पहुंचे, और वहां का 4-स्टार रिजॉर्ट एकदम ही मस्त था। I mean, sea facing cottages, rooms के बाहर swimming pools etc. थोड़ी देर में हमें अपना रूम मिला, और रूम में जाते ही my first thought was, ये रूम 4-स्टार रिजॉर्ट जैसा तो नहीं लग रहा है। Soon we realized कि हमारा कमरा कोई सी फेसिंग वेसिंग नहीं था, बल्कि ये होटल के किसी सरे हुए कोने में था, लाइक अ स्टोर रूम। इन फैक्ट दिस रूम वॉज वन ऑफ दोज फ्यू रूम्स जिससे पूल तक कनेक्टेड नहीं था। ये सब देखकर हमने तुरंत ही अपनी एजेंट पम्मी को कॉल लगाया, और पम्मी का कहना था कि सर, मैंने सी फेसिंग रिजॉर्ट कहा था, आई नेवर सेड कि आपका कमरा सी फेसिंग होगा। अरे तो सी फेसिंग रिजॉर्ट से मुझे क्या फायदा अगर मेरे रूम के सामने न सी हो न ही पूल। मैंने इतना ज्यादा इस होटल के लिए पे किया, और आप मुझे यहाँ का सबसे कचरा वाला रूम दे दिए। सॉरी सर, आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आई होगी, आपका रूम यही रहेगा। इस पॉइंट पे हम समझ चुके थे कि हमारा बड़ा वाला कट चुका है, और मेरी वाइफ दीक्षा तो ऑलमोस्ट रोने वाले सिचुएशन में थी। टू मेक थिंग्स वर्स, हमारे रूम में फ्लोर से पानी लीक हो रहा था, जिसके कारण पूरा कमरा डैम्प सा था।
मैंने दीक्षा को समझाया कि ये तो बस एक ही दिन की बात है और शाम को 7 बजे anyhow candlelight dinner होने वाली है, which we'll enjoy a lot. तो जैसे जैसे अपने आप को मनाकर हम दोनों 6:45 को मस्त तैयार हुए ताकि हम अपने कैंडल लाइट डिनर पे जा सके. वी वर टोल्ड कि हमें 7 बजे रिसेप्शन से कॉल आएगा, लेकिन हमें कोई कॉल नहीं आया. वी वेटेड टिल 7:15, जिसके बाद मैं रिसेप्शन पे कैंडल लाइट डिनर के बारे में पूछने गया. वहां मुझे पता चलता है कि डिनर प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि बीच पे डेकोरेशन टिक नहीं रहे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड. मैंने फिर से पम्मी से बात करने की कोशिश करी और उसका कहना था कि कैंडल लाइट डिनर होगी फॉर श्योर. There was so much miscommunication between the agent and the hotel manager कि मैं इनके बीच फंसकर अलग अलग लोगों को कॉल घुमा रहा था. अराउंड 8:30 मैंने हार मान ली, बिकॉज मुझे समझ आ गया था कि अब ये कैंडल लाइट डिनर नहीं होने वाला. हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए होटल मैनेजर हमारे सामने आता है एंड हिज प्रपोजल वाज कि वो रेस्टोरेंट में मेरे टेबल पे कैंडल लगवा देगा. आई मीन रियली, अगर मुझे रेस्टोरेंट में ही खाना था तो मैं एक 4-star रिजॉर्ट में पैसे फंसाने के बाद एक डिनर के लिए 5,000 क्यों ही देता. आई सिंपली डिनाइड द प्रपोजल और हमने होटल में ही नॉर्मल ओवर प्राइस डिनर खाया. नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पम्मी का फिर से कॉल आता है एंड शी वॉज लाइक, सर हमने आपके लिए एक दूसरा स्पेशल कैंडल लाइट डिनर अरेंज करवाया है इन अनदर होटल. पूल साइड टेबल्स होंगे और वहां से अगेन सी व्यू भी होगा. ये बात सुन के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए इस डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि बीच साइड वाली ड्रीम तो अब खत्म हो चुकी थी. उस रात हम वापस तैयार होकर डेजिग्नेटेड होटल में पहुंचे और फाइनली हमें पूल साइड डिनर टेबल्स दिए गए. हमारे सामने 2 कैंडल्स रखे गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स थे. जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, और उनमें से एक कैंडल की LED भी खराब थी. हमने फिर अपने आप को मनाते हुए सोचा कि कोई नहीं, चुपचाप डिनर करके यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन भगवान हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान करके बैठे थे. पहले तो हमारा ऑर्डर लेने कोई आ ही नहीं रहा था, और जब फाइनली एक वेटर आया तो वो ऑर्डर लेने के बजाय हमें हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बंदा मुझे बता रहा है कि सर ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ हमेशा गोलियां चलती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा है, आप लोगों को इतनी रात के बाहर नहीं आना चाहिए था. ओके, हम लोग पनीर की कोई साइड डिश ऑर्डर करने की सोच रहे थे. सर इस एरिया में भूत वगैरह भी हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर एक घर है जहाँ कोई नहीं रहता, और वहाँ से कई लोग गायब हुए हैं, क्राइम बहुत है इधर, आपको और मैडम को इतनी रात गए बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था. हम एक्चुअली ऑर्डर करने का सोच रहे थे और मैं यहाँ 10 साल से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रात को बहुत डर लगता है, क्राइम बहुत है, भूत भी है, और बाइक वाले गैंग मेम्बर्स भरे पड़े हैं. आप लोग तो टूरिस्ट हैं, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा? रियली ये बंदा मुझे भूतों की कहानियां सुना रहा है, जो कि खुद यहाँ भूतों का साम्राज्य खोल के बैठा है. इस बंदे की कहानी आधे घंटे तक चली, बट फाइनली उसने हमारा ऑर्डर लिया. कुछ देर में वी गॉट सम फूड, और जैसे ही हमने खाना शुरू किया वहां बारिश भी शुरू हो गई. अब ये पूल साइड वाले एरिया में छत नहीं थी, तो हमें अपने प्लेट्स लेकर रेस्टोरेंट के अंदर भागना पड़ा. वहाँ अंदर कई लोग थे, जिस वजह से वेटर थोड़ा बिजी हो गया, और फाइनली हम दोनों चुपचाप अपना नॉर्मल खाना खा के वहाँ से निकल लिए. वी वर फ्रस्ट्रेटेड, और उस दिन हमने प्रतिज्ञा ली कि अब से हम इस तरह की कैंडल लाइट डिनर वाले स्कीम में कभी नहीं फंसेंगे. नाउ इस वीडियो की कहानी सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी हमारी ट्रिप अच्छी नहीं थी, तो लेट मी टेल यू कि हमारी ट्रिप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी. इट वॉज जस्ट दिस कैंडल लाइट डिनर जिसके चक्कर में हमारे कुछ मोमेंट्स खराब हुए और कुछ पैसे भी बर्बाद हुए. सो माई सजेशन वुड बी कि अगर आप भी कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के एक्स्ट्रा पे करने वाले स्कीम्स के चक्कर में मत फंसिएगा. उस एक्स्ट्रा पैसे से आप XP-Pen की एक बढ़िया ड्रॉइंग टैबलेट ले सकते हैं, और 5K में तो बॉस मस्त ड्रॉइंग टैबलेट आ जाएगी. If you are a pro artist, go for XP-Pen Artist 24 Pro, और XP-Pen के प्रोडक्ट्स को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा. और हाँ, इस वीडियो में वेटर की आवाज मेरे दोस्त वैभव ने दी है, जिनका चैनल है पापी पुस्तक. So do check him out and show some love to him. उनके चैनल का लिंक आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा. So, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप भी कभी इस तरह के ट्रैवल स्कीम में फंस चुके हैं तो अपनी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय.
Hello, Divyanshu, sir. I can see that you are interested in our Manali couple tour package. Yes. Sir, if you pay 10k extra, we can arrange a special mountaintop candlelight dinner for you guys. Will that be okay for you? Rock! 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 Rock!